हे गाइस यार, देखो आज मैं बात करने वाला हूँ डंकी के टीजर अपडेट के बारे में। और सही में राजकुमार हिरानी और साथ में शाहरुख खान जो मास्टर प्लान अपने दिमाग में बना रहे हैं उसको भी बताने वाला हूँ। सही में सुनने को तो तुमको ज्यादा एक्साइटेड होने वाला हो भाई डंकी के लिए। और सही यार मैं कुछ ज्यादा ही पर्सनली एक्साइटेड हो चुका हूँ, तो मैं सब कुछ कवर करूंगा। भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को दूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को सिर्फ चल गई तो वीडियो को तो लाइक कर देना। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे आपको पता ही होगा कि भाई डंकी का टीजर जो आने वाला है भाई शाहरुख खान के बर्थडे के दिन ही आएगा, जो अगले महीने 2 तारीख को है भाई। और सही में यार ये सुनने के बाद तो सब लोग को पता ही होगा कि कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। लेकिन आपको पता ही होगा भाई सलार 22 दिसंबर को भी रिलीज होने वाली है, उसी दिन डंकी की भी रिलीज होगी। तो भाई सलार की वजह से ना तो भाई डंकी का क्रेज थोड़ा कम हुआ है भाई, चाहे कैसे भी हो लेकिन कम हुआ है। तो इसकी वजह से भाई शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी भाई मास्टर प्लान बना के चल रहे हैं कि एक तो भाई एक दिन पहले रिलीज किया जाएगा भाई डंकी को पूरे ओवरसीज में, साथ में भाई टीजर को कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव बनाने के तरीके सोच रहे हो कि टीजर को इतना एक्सपेंसिव बना दिया जाए, इतना ज्यादा क्रेज में लेके आ जाए कि जिसकी वजह से भाई सलार का जो मतलब एक तरीके से फैन फॉलोइंग है वो थोड़ी कम हो जाए और डंकी का कुछ ज्यादा बढ़ जाए। और सही में यार ये सुनेगा तो मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड होने वाला हूँ भाई, क्योंकि यार क्योंकि भाई इसके अंदर एक चीज़ बता दूं कि आपको पता ही होगी राजकुमार हिरानी की कोई ऐसी मूवी नहीं छोड़ते कि ऐसी ऐसी मूवी बनाते हैं वो कि लोग इनकी कॉपी करते हैं। भाई आपको पता ही होगा मुन्ना भाई MBBS भाई कौन नहीं कॉपी किया होगा, साउथ वाले तक कॉपी कर चुके हैं इस मूवी का। और सही में ये सुनने के बाद तो तुम्हें पता ही होगा कि राजकुमार हिरानी कितने ज़्यादा मतलब एक तरीके से ऐसी मूवी क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से भाई लोग उनको इतिहास में भी याद करते हैं। और सही में ये सुनने के बाद तो तुम कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हो कि भाई टीजर को भी भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बनाने के तरीके सोच रहे हैं। साथ में इसका ट्रेलर जो आने वाला है इसके ऊपर भी एक अपडेट आई है कि भाई जब टाइगर रिलीज होगी उसी दिन ही डंकी का ट्रेलर हमें देखने को मिलेगा। अब देखो कुछ भी हो सकता है लेकिन यार सही में यार मजा आने वाला भाई डंकी विद सलार देखने के बाद ना, तो लोग पब्लिक पागल होने वाली। तुम अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो और डंकी के लिए तुम कितने एक्साइटेड हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कहीं तरह वीडियो में आपको कुछ भी छल तो वीडियो को लाइक कर देना। और तुम्हें क्या लगता है भाई डंकी कितना कमा के जाएगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए बस मैं अलविदा लेता हूँ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, बाय बाय।